हेलो क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपका नेक्स्ट जो एनुअल का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एनुअल के कोर्स की क्लासेस हम ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी ऑफलाइन क्लासेज स्कूल में कंटिन्यूस चल ही रही हैं, तो जो भी बच्चे ऑफलाइन स्कूल आना चाहते हैं वो इसको अपने पेरेंट्स के साथ आकर बात कर सकते हैं। आपकी एनुअल क्लास की जो मैथ्स की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका लेसन 8 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 8 शेप्स, आपको जो आपकी मैथ्स की रीडर बुक में पेज नंबर 99 पर मिल जाएगा। तो पेज नंबर 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 108 तक आपका चैप्टर 8 आपको फुल मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 8 शेप्स। शेप्स क्या होते हैं, यानी आकृतियाँ। तो चैप्टर 8 में आपको हम शेप्स बताने वाले हैं। तो पहले हम फ्लैट शेप्स देखने वाले हैं। तो फ्लैट शेप्स में आपका रिकॉल द फॉलोइंग शेप्स, फर्स्टली आपको ये सारे पिक्चर्स बच्चों से आइडेंटिफाई करवाने हैं। अगर वो उन्हें रीड करना या उन्हें अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्टली आपको ये शेप्स के नाम बिना बताए उनसे पूछने हैं, क्या वो इन सारे शेप्स को जानते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका उनका शेप आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ट्रायंगल। नेक्स्ट आपका है रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ओवल, ये सारे आपके फ्लैट शेप्स कहलाते हैं। तो द अबव शेप्स आर कॉल्ड प्लेन शेप्स और फिगर्स। और इन द अबव शेप यानी कि ऊपर ये जो 5 शेप्स आपको दिए गए हैं ये प्लेन शेप्स या प्लेन फिगर्स या फ्लैट शेप्स कहलाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं साइड एंड वर्टेक्स ऑफ अ प्लेन शेप। तो यहाँ पर आपको साइड्स एंड वर्टेक्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको ट्राइंगल से एग्जाम्पल आपको ट्राइंगल बताया गया है, तो यहाँ पर ये जो इसकी साइड लाइन्स हैं इसकी हेल्प से आपको साइड बताए गए हैं। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसे वर्टेक्स कहा जाता है। नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेन शेप्स दिखाया गया। पेरेंट्स ध्यान दें, यहाँ पर एक वीडियो में ही मुझे पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो जब आप इसे बुक में एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करते हुए एक एक चीज़ उन्हें एक्सप्लेन करते जाइए, देन आप नेक्स्ट वाले पर आइएगा। आप एक ही बार में पूरा वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। तो फर्स्टली आप वीडियो को पॉज करते जाएं, जहाँ जब उन्हें समझ में आ जाए वहाँ तक आप उसकी एक्सरसाइज कॉपी में करवा लीजिए, देन आप आगे से वीडियो कंटिन्यू करते हुए चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप उन्हें प्लेन शेप्स के बारे में बता दीजिए, 5 शेप्स एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट आपको उस शेप्स के साइड्स एंड वर्टेक्स के बारे में उन्हें बताना है। नेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेन शेप्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट शेप है आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल के डिस्क्रिप्शन में और ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स और वर्टिकल्स, यानी कि एक ट्रायंगल जो होता है उसके टोटल नंबर ऑफ 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स जिन्हें वर्टिकल्स भी कहते हैं। तो एक ट्रायंगल के 3 साइड्स एंड 3 वर्टिकल्स होते हैं। सेकंड यहां पर आपको दिया हुआ है अ स्क्वायर, जिसका डिस्क्रिप्शन है अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, यानी कि देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 उसके 4 साइड्स होते हैं और एज इट इज़ उसके 1, 2, 3 और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, और स्क्वायर में एक चीज़ का ये डिफरेंस होता है कि उसके जो 4 साइड्स होते हैं वो 4 साइड्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट आपको शेप दिया हुआ है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं आपको एक लॉन्ग बॉक्स दिखाई दे रहा है, जैसे कि स्क्वायर में आपने देखा था कि उसके 4 साइड्स इक्वल थे, जिस तो वहाँ पर वो एक इक्वल बॉक्स था, लेकिन यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है। तो रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं एज इट इज़ लाइक स्क्वायर, बट अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। स्क्वायर और रेक्टेंगल में इतना डिफरेंस है कि स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड रेक्टेंगल हैज़ 2
रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, और रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर रेक्टेंगल में जो ऊपर और नीचे का जो दिया हुआ है ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर होंगे, और आमने सामने के जो साइड्स दिए हुए हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो फोर साइड्स में जो टू इक्वल साइड्स, टू अपोजिट साइड्स होते हैं वो उसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर शेप दिया हुआ है सर्कल, सर्कल यानी गोल आकृति। तो अ सर्कल हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, सर्कल में कोई भी साइड नहीं होते और ना ही कोई कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ पर ये सारे शेप्स आपको बच्चों से ड्रॉ करवाने हैं, साथ ही में उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखवाना है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं शेप में, जैसे ट्राइंगल का शेप आपको यहाँ पर एक स्कूल एरिया का वो जो मार्क दिया हुआ है वो है। स्क्वायर में आपकी काइट की पिक्चर दी हुई है, रेक्टेंगल में अ पोस्ट कार्ड आपको शो किया हुआ है, और सर्कल में एक क्लॉक की पिक्चर दी हुई है। तो इसके अलावा इन शेप्स के रिलेटेड एग्जांपल्स भी आप उनसे पूछकर यहाँ पर उनको एग्जांपल शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 100 पर आ जाइए, पेज नंबर 100 पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी हुई है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर एंड राइट द नंबर ऑफ इट्स साइड्स एंड कॉर्नर्स, यानी कि यहाँ पर फर्स्टली आपको बच्चों से फिगर को आइडेंटिफाई करवाना है, देन राइट द नंबर ऑफ इट्स साइड्स एंड कॉर्नर, और उसके बाद उनके साइड्स और कॉर्नर्स राइट करवा कर उसे कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द फिगर में फर्स्ट आपको यहाँ पर स्क्वायर की पिक्चर दी हुई है जिसके साइड्स आपको काउंट कराना है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको साइड्स काउंट कराकर आंसर में 4 राइट कराना है। एज इट इज इसके कॉर्नर्स भी आपको राइट कराकर यहाँ आंसर फिल करना है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल के भी साइड्स और कॉर्नर्स राइट करवाते हुए यहाँ लिखकर कंप्लीट करना है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज दी हुई है। तो फर्स्ट लाइन, तो टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट टू गेट अ क्रीज, नाउ अनफोल्ड इट, द क्रीज ऑन द पेपर रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, इफ इट होल्ड अ स्ट्रिंग टाइटली विथ आवर हैंड इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पर आपको लाइन यानी कि जो लाइन होती है उसकी एक्टिविटी बताई गई है। अगर आप एक पेज लेते हैं उसको फोल्ड कर आप वहाँ पर टाइटली क्रीज करते हैं, और उसके बाद में जब आप उसे अनफोल्ड करेंगे तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई आपको देगी। फिर आप उस पेज को कितना ही स्ट्रेट क्यों ना पकड़ लें वहाँ पर आपको एक लाइन रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, इफ़ यू होल्ड अ स्प्रिंग लूजली इन योर हैंड वी गेट अ कर्व्ड लाइन ड्राइंग, जिसे कहते हैं ड्राइंग लाइन्स। तो यहाँ पर अगर आप एक स्प्रिंग को लूजली यानी कि हल्का पकड़ते हैं तो इन अवर हैंड्स तो वी गेट अ कर्व लाइन, तो आपको एक कर्व लाइन दिखाई देगी। और नेक्स्ट यहाँ पर है वी कैन ड्रॉ लाइन बाय यूजिंग अ स्केल और एनी स्ट्रेट एजेस लाइक द एज ऑफ योर नोटबुक एंड मैच बॉक्स, और हम एक ड्रॉ लाइन हम एक स्केल की मदद से या कोई भी स्ट्रेट एज लाइक अ योर नोटबुक एंड मैच बॉक्स की मदद से हम एक सीधी लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्टिविटी के लिए आप पेरेंट्स ध्यान दें, ये एक्टिविटी आप करा सकते हैं, जो भी स्ट्रेट एजेस के होते हैं आप उनकी मदद से बच्चों से लाइन ड्रॉ करवा कर देख सकते हैं। तो टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर ले लीजिए, पुट अ मैच बॉक्स ऑन इट, उसके ऊपर एक मैच बॉक्स रख दीजिए, होल्ड इट फर्मली विद वन हैंड एंड मूव अ पेंसिल अलोंग एन एज विद द अदर हैंड, आपको उस मैच बॉक्स पर एक हैंड रखते हुए दूसरे हैंड से पेंसिल से उसकी एजेस पर पेंसिल से चलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। रिमूव द पेंसिल मार्क रिप्रेजेंट्स अ लाइन, फिर जब आप वहाँ से पेंसिल हटाएंगे और मैच बॉक्स को देखेंगे, मैच बॉक्स हटाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि हम किसी भी एज ऑफ योर नोटबुक मैच बॉक्स की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको काइंड्स ऑफ लाइन्स का ये जो काइंड्स ऑफ लाइन्स बताया गया है, यानी कि लाइन्स के टाइप्स आपको बताए गए हैं। तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन, तो द लाइन्स शोन बिलो आर
ऑल हॉरिजॉन्टल एंड स्लीपिंग लाइन्स, यानी कि यहाँ पर आपको जो लाइन्स दी गई हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लीपिंग लाइन्स कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्लीपिंग लाइन, जो एक आड़ी लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपको बताई गई हैं वर्टिकल्स लाइन्स, जिन्हें स्टैंडिंग लाइन्स भी कहा जाता है। द लाइन्स शोन बिलो आर वर्टिकल्स लाइन, यहाँ पर जो नीचे आपको लाइन शो की गई हैं उन्हें वर्टिकल्स लाइन कहा जाता है। स्टैंडिंग यानी खड़ी लाइन जो होती है उन्हें वर्टिकल्स या स्टैंडिंग लाइन्स कहा जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 102 पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है स्लैंटिंग लाइन्स आपको दिया हुआ है। तो द लाइन्स शोन बिलो आर स्लैंट लाइन्स, यहाँ पर नीचे जो आपको लाइन शो की गई है इन्हें स्लैंट लाइन कहा जाता है। तो स्लैंट लाइन में यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरछी जो लाइनें होती हैं उन्हें स्लैंट लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है द फिगर शोन ऑन द राइट हैज़ टू वर्टिकल्स लाइन, और हमारे जो शेप्स जो हम ड्रॉ करते हैं या कोई भी फिगर या पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो कई सारे शेप्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टू वर्टिकल्स लाइन दी हुई है, फोर स्लैंट लाइन्स और टू हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है। एज इट इज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पॉइंट बताया गया है। टेक अ फाइन पेंसिल और नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताया ड्राइंग स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग द स्केल, और स्केल की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल हैं ये पेरेंट्स अपने बच्चों से कंप्लीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 103 पर आप देख लीजिए आपको एक्सरसाइज दी हुई है। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लेंट लाइन और वर्टिकल्स जो लाइन है उन्हें काउंट कर आपको यहाँ पर राइट करवा कर कंप्लीट करवाना है। फर्स्टली आप उन्हें लाइन्स एक्सप्लेन कर दीजिए, आफ्टर दैट आपको ये कंप्लीट करवाना है, और एज इट इज़ आपको पेज नंबर 103 की एक्सरसाइज कंप्लीट करवाना है। सेकंड में काउंट द लाइन्स एंड राइट द नंबर्स ऑफ गिवन बॉक्स, यहाँ पर नेक्स्ट इसमें भी आपको इस पिक्चर को देखकर हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेंटिंग लाइन, वर्टिकल्स लाइन और कर्व लाइन जो है उन्हें काउंट कर लिखना है। नेक्स्ट ऑन द गिवन स्कॉट पेपर ड्रॉ 3 हॉरिजॉन्टल, 4 वर्टिकल एंड 2 स्लैंट लाइन यूजिंग द स्केल, यहाँ पर आपको जो पेज दिया हुआ है यहाँ पर आपको 3 हॉरिजॉन्टल, 4 वर्टिकल्स एंड 2 स्लैंटिंग लाइन्स यूजिंग स्केल की हेल्प से लाइन्स ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर आपको सॉलिड फिगर्स के बारे में बताया। अभी तक हमने हमारे प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट है आपके सॉलिड फिगर्स। द प्लेन शेप्स लाइक द स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एक्स्ट्रा आर फ्लैट शेप्स विथआउट एनी थिकनेस, बट मेनी ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बॉल, बुक, डाइस, अ बर्थडे केक, अ रोलर आर नॉट फ्लैट, दिस आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स। द साइड ऑफ साइड और फेजेस ऑफ सॉलिड्स लुक लाइक फ्लैट शेप्स सच एज स्क्वायर, ट्राइंगल और अ सर्कल। सॉलिड शेप्स आर गिवन वेरियस नेम्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि द प्लेन शेप्स जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल ये सारे फ्लैट शेप्स होते हैं और इनमें कोई भी थिकनेस नहीं होती है, बट कुछ शेप्स होते हैं जैसे बॉल हुआ, बुक हुई, डाइस हुआ, आपकी बर्थडे केक, रोलर हुआ, ये फ्लैट नहीं होते हैं जिन्हें सॉलिड शेप्स कहा जाता है। द साइड एंड फेसेस ऑफ सॉलिड लुक लाइक अ फ्लैट शेप, उनका जो आप साइड और फेस देखते हैं तो वो फ्लैट शेप्स की तरह दिखाई देते हैं जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल। नीचे आपको यहाँ पर कुछ सॉलिड शेप्स दिए हुए हैं जो दिखाई तो वैसे देते हैं लेकिन उनमें थिकनेस होने के कारण उनके नेम अलग होते हैं। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्यूबॉइड, तो लुक एट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बिलो, नीचे आपको ये जो शेप्स दिए हुए हैं जैसे कंपॉक्स, नोटबुक, टिफिन बॉक्स, शेल्फ, इरेजर और बॉक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स हैज़ द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड का शेप के यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस आर कॉल्ड क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट्स। अ क्यूबिड हैज़ 8 वर्टिकल्स, 12 एजेस एंड 6 फेस, एक क्यूबिड में 8 वर्टिकल्स, 12 एजेस एंड 6 फेस होते हैं। ऑल द फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगल इन द शेप, और यहाँ पर ये जितने भी क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल दिखाई देते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको उनके एजेस, फेस और वर्टिक्स बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका है क्यूब, तो अ क्यूब इज स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड विच हैज ऑल इट्स एजेस इक्वल, ईच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो इज इन द शेप ऑफ अ
क्यूब. अ क्यूब हैज 8 वर्टिकल्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेस. ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर. यानी कि यहाँ पर आपको क्यूब बताया गया है, जिसका हर जो एक हिस्से से अगर आप फेस की तरफ से देखते हैं तो वो स्क्वायर शेप में दिखाई देता है. अ क्यूब में 8 वर्टिकल्स, 12 एजेस और 6 फेस होते हैं. ये सारे शेप्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस पेरेंट्स घर पर उनकी कॉपी में ज़रूर करवाएं. नेक्स्ट आपको बताया हुआ है स्फेयर. तो लुक एट द स्फेयर ऑफ ऑब्जेक्ट शोन बिलो. बॉल, ऑरेंज, वुल और ग्लोब. तो यहाँ पर ईच वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हैज इट शेप ऑफ अ स्फेयर. दिस आर कॉल्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स. अ स्फेयर हैज वन फेस, नो वर्टिक्स, नो एजेस. अ स्फेयर हैज अ कर्व्ड सरफेस. स्फेयर जो होता है उसका कर्व्ड सरफेस होता है, उसमें कोई वर्टिक्स या एजेस नहीं होते हैं. नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है कोन. तो लुक एट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बिलो. यहाँ पर आपको कोन के ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. यहाँ पर फर्स्ट एक आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप और कैरोट, चिली और रेडिश. तो यहाँ पर आपको ये कोन के शेप्स दिए हुए हैं. तो ईच वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स हैज द शेप ऑफ अ कोन. यहाँ पर जो शेप दिए हुए हैं सब में कोन का शेप आपको दिखाई देता है. अ कोन हैज वन वर्टेक्स, वन एज एंड टू फेजेस. एक कोन में वन वर्टेक्स और वन एजेस एंड टू फेस होते हैं. वन फेस ऑफ अ कोन हैज अ कर्व्ड सरफेस. द अदर फेस ऑफ अ कोन हैज अ प्लेन सरफेस. एजेस ऑफ अ कोन इज ऑल्सो कर्व्ड. आप सिंपली पेरेंट्स ध्यान दें, एक बर्थडे केक या फिर एक पेपर को रोल कर आप कोन का शेप बनाकर उन्हें कोन एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला ये जो हिस्सा है वर्टेक्स, यहाँ पर जो बीच में होता है वो कर्व्ड फेस होता है और नीचे का जो प्लेन फेस होता है और लास्ट की जो उसकी वो होती है वो एजेस कहलाती हैं. नेक्स्ट पेज पर आपको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बताए गए हैं. तो लुक एट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट शोन बिलो. यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं. तो ईच वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हैज द शेप ऑफ अ सिलेंडर. दिस आर कॉल्ड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स. अ सिलेंडर हैज नो वर्टिक्स, टू एजेस एंड थ्री फेसेस. वन फेस ऑफ सिलेंडर इज अ कर्व्ड सरफेस. टू फेसेस ऑफ अ सिलेंडर हैव प्लेन सरफेस. यहाँ पर आपको सिलेंडर की ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसमें नो वर्टिक्स, टू एजेस एंड थ्री फेसेस होते हैं और जिसके आपको एग्जाम्पल में है जग, बकेट, टिफिन, पेंसिल, ये कोक बॉटल. यहाँ पर आपके सारे सॉलिड जो फिगर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं. नीचे आपको प्रैक्टिस में टेबल कंप्लीट करना है. सभी बच्चों के बुक में दिए हुए हैं आपके जितने भी सॉलिड शेप्स थे उनके आपको फेस, एजेस और वर्टिकल्स राइट कर कंप्लीट करना है. पेज नंबर 107 पर आप देख सकते हैं. यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है. राइट द नेम ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर टू विच ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लुक लाइक वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनकी पिक्चर्स आपको शो हो आपको आइडेंटिफाई करवानी है बच्चों से. फिर उनसे पूछना है कि ये किस शेप में होता है. जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ दिया हुआ है जिसमें एक बुक की पिक्चर दी हुई है. उस बुक की पिक्चर को वो आपको किस शेप से रिलेटेड लगती है. तो यहाँ पर आपको आंसर में दिया हुआ है क्यूबॉइड. एज इट इज आपको नेक्स्ट आइस क्यूब, एक ब्रिक, ग्लोब और चॉक बॉक्स और सिलेंडर की पिक्चर दी हुई है. इनसे रिलेटेड ये किस ज्योमेट्रिकल फिगर से मैच करती है, आपको वो ज्योमेट्रिकल फिगर नेम राइट कर कंप्लीट करना है. नेक्स्ट आपका है ट्रेसिंग आउट फ्लैट शेप्स. तो अ फ्यू फ्लैट शेप्स कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ सॉलिड शेप्स. वी कैन ट्रेस द बेस ऑफ सॉलिड शेप टू गेट अ फ्लैट शेप. यानी कि कुछ फ्लैट शेप्स जो होते हैं वो हमारे जो सॉलिड शेप्स होते हैं उनकी हेल्प से ड्रॉ किए जाते हैं. जैसे कि अगर आप एक डाइस क्यूब लेते हैं और उसके चारों तरफ आप पेंसिल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक फ्लैट शेप यानी स्क्वायर की पिक्चर मिल जाएगी. एज इट इज़ अगर आप बुक के चारों उसके एजेस पर पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो आपको एक रेक्टेंगल, और सिलेंडर से की तरफ अगर आप पेंसिल ड्रॉ करते हैं तो आपको एक सर्कल की पिक्चर मिल जाएगी. यानी कुछ सॉलिड शेप्स के पेंसिल ड्रॉ करने से आपको वहाँ पर एक फ्लैट शेप की पिक्चर मिलती है. नेक्स्ट पेज नंबर 108 पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको यही एक्सरसाइज बतानी है. तो ड्रॉ द शेप विद द हेल्प ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, नेम द शेप ऑल्सो. यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को आपको कंप्लीट करना है. जैसे कि अगर आप एक
आइस क्यूब की एजेस पर पेंसिल ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर बनाना है। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट ब्रिक, 1 रुपीज़ ऑफ कॉइन, इरेजर, स्टॉल एंड ज्योमेट्रिकल बॉक्स के एजेस पर आपको ड्रॉ द शेप विद द हेल्प ऑफ बेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। आपको इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से फ्लैट शेप्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है एंड नेम द शेप ऑल्सो, और आपको उसका शेप नेम भी राइट कर कंप्लीट करना है। इसी के साथ में आपका चैप्टर 8 शेप्स यहीं कंप्लीट होता है।